प्रेमिका का शादी के लिए ना बोलना एक प्रेमी को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। फतेहाबाद के रतिया शहर में किराए के मकान में प्रेमी के संग लिव इन में रह रही महिला ने ये नहीं सोचा होगा कि वो जिसके भरोसे घर छोड़कर आई है वही प्रेमी उसके भरोसे का खून कर देगा। आरोपी युवक कई दिनों से महिला से शादी करने की जिद कर रहा था, जिस पर महिला ने उसके सामने पहली पत्नी से तलाक की शर्त रखी थी, लेकिन प्रेमी शादी की जिद पर अड़ा रहा और महिला के ना मानने पर उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पहले तो उससे रस्सी से बांध दिया और फिर धारदार हथियारों से उस पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी बहन को रात को मार पीट के चला गया, उसने बोला कि मेरे से शादी करा ले। मेरी बहन ने बोला नहीं, मैं नहीं शादी कराऊंगी, आप तलाक ले आओ जब मैं शादी करूंगी। अच्छा। जो उसने शादी नहीं करी, 2-3 दिन हो गए वो पीछे पड़ा रहा, बंदी रख के उसको रख रहा। रात को 9 बजे आया, उसके पाँव हाथ बांध के रात को 9 बजे से लगा के 6 बजे तक उसकी पूरी उसकी खून से चाकू से बाल चाकू कैंची से बाल काट दिए, चाकू से सारे हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा सट सुट मारे उसको। पीड़ित महिला और आरोपी शख्स रवि दोनों ही शादीशुदा बताए जा रहे हैं। अनबन के चलते महिला ने कई महीनों पहले अपने पति को छोड़ दिया था। वहीं रवि भी शादीशुदा है और अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। साथ रहने के लिए दोनों प्रेमी युगल पंजाब के मानसा में अपने परिवार को छोड़कर फतेहाबाद आ गए थे। R9 TV के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।